हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक सीक्वल जैसा डिस्कशन है हमारा, जिसका कि पहले पहला अध्याय श्री भरत गांधी जी ने रखा था, उस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। और उन्होंने जो एक बात रखी थी वो ये है कि डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके कैसे काम कर सकते हैं। तो उनका अपना एक उन्होंने पूरा मैनिफेस्टो बनाया है, और आज जो हम उस पर बात करेंगे, जो उन्होंने डिस्कशन ऑलरेडी रेज किया था, और जिसके लिए हम लोग भी एक्चुअली सोच रहे हैं कि कैसे बात को आगे बढ़ाया जाए। सब अलग अलग आइडियोलॉजी, सब अलग अलग रीजन से आने वाले लोग, अलग पार्टीज को रिप्रेजेंट करने वाले सिटीजन्स, अलग एज ग्रुप, अलग जेंडर, जो अलग अलग देश को देखते हैं अलग तरीके से, वो लोग एक जगह आके कैसे एक प्लेटफॉर्म पे कॉमन मिनिमम इस पे प्रोग्राम पे बात कर सके और काम भी कर सके। तो आज का जो मेन क्वेश्चन रखा है वो ये है कि व्हाट मे बी द मोडस ऑपरेंडी टू अलाइन द सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस हैविंग डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजी एंड व्यू पॉइंट। मैं इस क्वेश्चन इटसेल्फ पे एक कॉमा ऐड कर देती हूँ कि सोशल, इकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस, बिकॉज मुझे लगता है कि बगैर इकोलॉजी के ये सब चर्चा में अब कहीं ना कहीं एक खालीपन रह जाएगा, और इकोलॉजी ही एक ऐसी चीज़ है जो शायद सबको अब बांध सकती है। अब वो अगर हम थियोरेटिकली क्लाइमेट चेंज बोलने जाएं, और या तो मैं अपने विषय पे ले आऊं, पानी ही सबको बांध सकता है, तो गलत नहीं होगा। तो मैं उसमें इकोलॉजी भी ऐड करना चाहूँगी एज अ बाइंडर। तो हमारे साथ इस पे चर्चा और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं इस विषय में, पर आई थिंक थोड़ा सा इसमें जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, वर्किंग डिटेल्स पे भारत जी थोड़ा सा हम लोग को और आगे एक चर्चा के लिए और ये देंगे, हमको दिशा देंगे, और बाकी फिर हम सब अपनी अपनी राय यहाँ रख पाएंगे। तो भारत जी के साथ ही शुरू करते हैं। नमस्कार। आप जी सब लोगों से मेरी आवाज क्या सबको जा रही है? अच्छा, जी जी जा रही है। जी आ रही है, आ रही है। ठीक है। क्या मैं विजिबल हूँ? जी सर, संदीप भाई, हम विजिबल हैं। जी आज हम एक्चुअली पहली बार जूम मीटिंग में लैपटॉप से अपीयर हो रहे हैं। हम तो हम मोबाइल से हुआ करते थे, हाँ तो मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ लैपटॉप से कैसे करते हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तुरंत मोबाइल पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये बीच बीच में घंटी किसकी बज रही है थोड़ी थोड़ी देर हमको तो नहीं पे? सुनाई दे रहा है, हम लोग को नहीं आ रही थी आवाज। हमें ये लगता है कि जब कोई नया आदमी ज्वाइन करता है तो ओ अच्छा एक बेल अच्छा की आवाज आ रही ओ है, अच्छा अच्छा ऐसा मुझे जी लगता जी था। हाँ, ये हो वो, सकता हाँ वो ऑफ कर दिए, अब नहीं है। आएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा, ठीक आप कर दिया ना? ठीक चलिए, है। ठीक ठीक भरत जी, लैपटॉप में आसान है, आप तो सिर्फ दूर से बस बोलिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आपको तो कुछ इंस्ट्रूमेंट गैजेट पकड़ना नहीं है। हम मेरे ख्याल हाँ, ज्यादातर ठीक लोग है ना? ठीक, लैपटॉप में। हाँ जी हाँ जी, जी तो जी चलिए ठीक है। जो लोग बीच बीच में आते रहेंगे वो उनके लिए तो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 6 बजे का टाइम दिया था और 6:08 हो रहे हैं। जी तो भाई संदीप पांडे जी, सबसे पहले आपको थैंक्स देता हूँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, और बहन मानसी को थैंक्स देता हूँ कि उन्होंने बहुत प्रॉम्प्टली और बहुत टाइमली शुरू किया। बॉबी को थैंक्स देता हूँ कि उन्होंने इसको अरेंज किया, लिंक वगैरह जनरेट किया, लोगों को सर्कुलेट किया, इन्फॉर्मेशन दिया। पिछली बार जो हम लोगों की चर्चा हुई थी कि अलायंसेस के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होने चाहिए, अगर पार्टियों के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एनजीओज के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, कंपनियों के लिखित संविधान होते हैं, ट्रस्ट के लिखित संविधान होते हैं, और यहाँ तक कि जो कंपनियों के फोरम है जैसे फिक्की है, एसोचैम है, सीआईआई है, इनके भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यूपीए के और एनडीए के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्या ये लोग बना नहीं पाए या सोचे नहीं? इस बारे में पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि वो लोग अवॉइड करना चाहते,
ऐसा नहीं है कि उनके पास इतने बुद्धिमान लोग नहीं है कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते, और हम ही लोग बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार हैं कि हम ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि शायद उनका कोई मोटिव ऐसा है जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर करने से वो मोटिव पूरा नहीं होता। निश्चित रूप से कोई मोटिव पूरा ना हो तो इसका अर्थ यह है कि मोटिव ऐसा है जो सबको बताने लायक नहीं, यानी कोई करप्शन का मोटिव, कोई क्राइम का मोटिव, या पावर को कैप्चर करने के लिए जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, करप्ट गलत तरीके हैं, उनका मोटिव। शायद वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सपोज होगा और कोई अलायंस को ज्वाइन क्यों करता है और क्यों छोड़ देता है, इस बारे में क्वेश्चन उठेंगे कि भाई आप किन कंडीशंस पर ज्वाइन किए थे, ऐसी कौन सी बात हुई अलायंस की तरफ से कि आपने छोड़ दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि इलेक्शन के बाद अलायंस बनते हैं, इलेक्शन के बाद बनने वाले अलायंस को रिव्यू कमेटी ने जो 2001 में बनी थी वाजपेयी साहब की सरकार में, उसने साफ साफ कहा है जनादेश को बदलने वाला, डेमोक्रेसी को पटरी से उतारने वाला। अगर प्री पोल अलायंस होता है तब तो मान के चलिए कि जनता ने आपको समझ के वोट दिया था, लेकिन इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद जब अलायंस बनते हैं, कोई पार्टी शिफ्ट होकर के किसी अलायंस को ज्वाइन करती है, तो ये मैंडेट का साफ साफ पलटना है, उसका वायलेशन। सर पर इलेक्शन, मेरा एक सवाल है इसके बीच में सर, भरत जी, हाँ, कि ये जो पोस्ट इलेक्शन अलायंस होता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं है, मतलब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये रूल क्यों नहीं है? ये निश्चित रूप से अनडेमोक्रेटिक तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के लिए कई कंडीशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोई प्रोविजन टूटते हो, तो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन ना टूटता हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो कहता है कि एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन रूल करेगा और उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुपरवाइज करेगा, ये तो कहता है, तो वो तो वायलेट होता है, तो इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन भी वायलेट होता है। तो उसका मॉनिटरिंग कौन कर रहा है कि जो पोस्ट इलेक्शन अलायंस होते हैं उसको, वो हो या नहीं हो, वो डिक्लेयर जाके इलेक्शन कमीशन को वो करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आपस में डिक्लेयर कर लेते हैं? निश्चित रूप से पोस्ट इलेक्शन अलायंस तो होने ही नहीं चाहिए। हाँ, पर अगर जब वो कर लेते हैं अलायंस और शपथ के स्टेज तक जाते हैं, तो क्या वो गवर्नर को इंफॉर्मेशन में रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन को रखते हैं? नहीं, इलेक्शन कमीशन तो इस लाइट में आता नहीं है, इलेक्शन कमीशन को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता जी। गौर साहब, ये तो गवर्नर स्टेट में, गवर्नर को सेंटर में राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि हम मैंडेट नहीं आया, बहुमत नहीं आया तो हमने बना लिया। नहीं तो जब इन्फॉर्म करते हैं, वो लिखित में इन्फॉर्म करते हैं, तो कुछ तो लिख के इन्फॉर्म करते होंगे ना कि हम इस कॉमन मूल प्रोग्राम के तहत हम लोग अलायंस बना रहे हैं। नहीं, ये प्रेसिडेंट का, गवर्नर का जुरिस्डिक्शन नहीं होता, ना तो उनको बताते हैं जी, वो मानते हैं कि ये सब्जेक्ट नहीं है जी। इसलिए सर, एक मिनट, गौर सर को ले लेते हैं, आपका म्यूट है सर। ये गौड़ साहब अपना माइक ऑन कीजिए, अशोक गौड़ जी अपना माइक ऑन, माइक ऑन। ओके फाइन, अभी आई आवाज? भोपाल से हमारे मित्र हैं। अब आई आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है। ओके, अच्छा मैं सीधे मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। जैसे जो आपने स्टार्ट किया कि वो ऐसा नहीं कर रहे है, वो यूं नहीं कर रहे है, ऐसा होना चाहिए, तो अगर ये मैटर हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर नॉट इम्पावर्ड, नंबर वन। अगर कोई चीज सिस्टम के अनुसार नहीं चल रही, या लीगल जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार नहीं चल रही, तो वो उसके लिए अथॉरिटी शुड टेक द एक्शन, एंड वी आर नॉट हियर टू से दैट ऐसा होना चाहिए, गवर्नर शुड। तो अगर आप सही चीज भी ला भी रहे होंगे तो सुनेगा कौन आपकी?
नहीं अगर... एक मिनट, एक तो गौर साहब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले मुझे बोलने का आपने अगर देखा नहीं, मैंने, मैंने, मैंने थोड़ा सा नहीं, 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 अब मैं सुनूंगा आपके आपके बात बाद में सुनेंगे। और दूसरी बात यह है कि अथॉरिटी के सवाल पर भी बाद में डिस्कस करेंगे कि हमें अथॉरिटी है या नहीं। नहीं, मेरा निवेदन ये है कि मैं आपके कारण आया हूँ, और अगर आप अपने मुद्दे पे ही अगर आगे बढ़े और आपकी आप अपने पे ही ज्यादा कन्फाइंड रहे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ उनके अगर इलीगल है तो फिर आप बात को उठाइए, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि मैं मुझे ज्यादा कंसर्न आपसे और अपने लोगों से, बजाय इसके कि हम वो ये नहीं कर रहे, वो तो नहीं करेंगे वो, ठीक है आपने बात कह ली ना, आप तो कह ली, हाँ बात कह ली मैंने जी, बिल्कुल सही कहना है कि क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं, हाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं तो जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग हैं या ग्रुप हैं वो कैसे एक अलायंस पे आ सकते हैं या उनके लिए क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, हम लोग वो बात कर रहे हैं। जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन देखिए आप जो कह रहे हैं, मैं तो उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता ही हूँ कि बड़े बड़े और जो अच्छे लोग हैं वो ही सारी गलतियां कर रहे हैं, ये तो इसमें दो राय नहीं है। मैं आया हूँ आपके लिए और आपकी आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए, मगर वो हाँ अब आप नहीं बोलिए, मतलब मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं कह रहा, हाँ बस इतने कह रहा हूँ कि भाई हम नहीं हो गया ना गौर साहब, अब आप बोलते रहेंगे क्या, आप नहीं मैंने बोल रहा हूँ, बोल दिया अब आप चुप रहिए ना जी। नहीं मैं बिल्कुल चुप हूँ, मगर अच्छा एक बात मैं कहना चाह रहा था कि ये जो सवाल आपने पूछा है मानसी पोस्ट पोल अलायंसेस वाला, इसमें एक जो व्यवहारिक एक तरीके से दबाव रहता है सबके ऊपर वो ये रहता है कि अगर हंग असेंबली या पार्लियामेंट है और कोई सरकार नहीं बनेगी तो फिर आपको दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा जिसमें बहुत खर्चा होगा, तो इसलिए सब लोगों के ऊपर एक ये मानसिक दबाव रहता है कि किसी तरह से सरकार कोई बना लो ताकि दोबारा इलेक्शन ना कराना पड़े, बस मैं इतना ही कहता हूँ। जी सर थैंक यू, पर आज तक हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग सब लोग अगर आएंगे साथ में तो हमारा ज्वाइंट क्या अलायंस का मैनिफेस्टो या कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है। जी भरत सर जी शुरू करें। जी सर तो अभी क्या है कि आज जो हम लोग डिस्कस करने के लिए मजबूर हुए हैं वो इन घटनाओं को देख करके मजबूर हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ इस पर मेरी लंबी चर्चा हुई है, ये बात पिछली मीटिंग में हम आपको बता दें, अब हम दोहराएंगे नहीं उसको जी। अब हम केवल यह कहना चाहते हैं कि चलो जो लोग पावर में हैं वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो नैतिक कर रहे हैं या अनैतिक कर रहे हैं, वो लीगल कर रहे हैं या इलीगल कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और हम उनका हाथ पकड़ने की स्थिति में नहीं। क्या हम ऐसा कोई रास्ता निकाल सकते हैं कि या तो हम उनका हाथ पकड़ने लायक हो जाएं या फिर उनको रिप्लेस कर दें? आज हमारी चर्चा इसी प्रश्न पर केंद्रित है, हम उनके हाथ नहीं पकड़ पाते या हम उनको रिप्लेस नहीं कर पाते और वो गलत करते चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जितना अच्छा सोचने वाले लोग हैं, जेंटल फोर्सेस हैं, जस्टिस सीकिंग फोर्सेस हैं, न्याय चाहने वाले लोग हैं, वो ये मानते हैं कि अगर हमारे बीच विचारधारा नहीं मिलती तो हम एक साथ काम नहीं करते। अगर हम ये मानते हैं कि हम एक साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि विचारधारा नहीं मिलती, तो व्यवहारिक जीवन में मैंने ये देखा कि बहुत लोगों के पति पत्नी के विचार नहीं मिलते और साथ रहते, बहुत लोगों के बेटा और बाप के विचार नहीं मिलते और साथ रहते। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनाते हैं ना, इसलिए घर में भी और ऑफिस में भी जी साथ रहते हैं, और मतलब यहाँ तक कि अपने फ्रेंड सर्किल में भी जिन दोस्तों मित्रों के साथ विचार नहीं मिलते उनके भी साथ रहते हैं। ऐसी स्थिति में हम
इस नतीजे पर पहुंचे कि यह सच्चाई नहीं इल्यूजन है कि हम अगर हमारी विचारधारा में फर्क है तो हम बंद कर ये कर लो। इसलिए हम ये मानते हैं मगर एक मेरा एक सवाल है जो स्टाफ बोनल से हेलो नहीं सवाल नहीं पूछे जा सकते। सवाल पूछने के लिए टाइम निर्धारित है 6:45। सवाल 6:45 पर सवाल पूछे जा सकेंगे, बीच में सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे। ऐसा आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है क्योंकि बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं और ज्वाइन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर वो सवाल पूछेंगे तो बात चल नहीं सकती। प्लीज आप क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डालेंगे तो हम आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चन, उसकी रिप्लाई दे सकते हैं जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में आएंगे तब। अभी अरे मेरा ये सुझाव है भरत भाई, प्रफुल्ल सामंतरा जी हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, शायद इसमें जितने लोग हैं उसमें सबसे वरिष्ठ हैं। एक मौका उनको अभी दीजिए और अब जो आप बता रहे हैं अब उसका पालन किया जाएगा। आप करीब 15 मिनट बोलिए और उसके बाद फिर लोग सवाल पूछेंगे। प्रफुल्ल भाई को अभी एक मौका दीजिए। ठीक है प्रफुल्ल भाई बोलिए आप क्या बोल रहे हैं। नहीं मेरा बोला है कि जो ऐसा कैसा एक जो फैमिली में वाइफ एंड हस्बैंड हो बेटा समाना ये जो जनरी के अब जो जो रिलेशन है जो भी जो इसको लेकर हमें एक जो विचार के साथ और एक पॉलिटिकल पार्टी पावर के साथ शेयर करके कैसा उसको मुझे कंपेयर करना है इतना ये ऐसे करके हम मिल नहीं पाएंगे कि ना उनका जो रिलेशन उनका जो इमोशन उनका जो कंपल्शन ये अलग भी है मगर एक विचार को लेकर एक पावर कॉम्बिनेशन की दिशा एक इवन स्ट्रगल के साथ एक जुट कर होना ये अलग है तो इसको कैसे तरह हम एक साथ रह पाएंगे क्या सिचुएशन है किसी सिचुएशन में किसी तरह अलायंस होना चाहिए ताकि हमको मानना पड़ेगा किस तरह का रिस्पॉन्स उसको नहीं आधार होगा तो मुझे लगता है कि परिवार में पत्नी और पति मिलते जलते हैं तो उनका तो एक बड़ा ऐसा है कि इसको कंपेयर करना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा ऐसा है। सर अगर हम उसको मेटाफोरिकली रखें अगर हम उसको मेटाफोरिकली देखें तो वो एक फाउंडेशन टुवर्ड सम वेलबींग पे काम करते हैं तो भरत जी भी उसी मतलब बेसिकली उस पॉइंट से बता रहे थे कि अगर इतने आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड अच्छे लोग एक मुद्दे पे काम करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे। भरत जी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ 15 मिनट्स नोबडी इज टॉकिंग। थैंक यू। ठीक प्लीज मेरा कहना है कि थोड़ा वक्त का ध्यान दें अगर हम कह पाएंगे तो शायद आपके जो क्वेश्चन मन में है उनका ऑटो आंसर हो जाएगा। ठीक है तो एक तो बेसिक बात यह है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर हम मान लेते हैं तो हम जो हमारे आइडियाज में आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस होते हैं उसके बावजूद भी हम काम करने की पोजीशन में आ सकते हैं जो हमें फैमिली में जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि फैमिली में 5 आदमी है 10 आदमी है। लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशंस को हम 10 पॉलिटिकल पार्टी को या 100 NGOs को या बहुत सारी कंपनियों को एक साथ करना चाहते हैं तो उसमें संख्या बढ़ने के कारण हमें एक रिटन कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत पड़ती है। अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लें तो हमारी फंक्शनिंग स्मूथ हो जाएगी और जो हमारे लगता है कि हम आइडियाज में आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस के कारण व्यू पॉइंट में डिफरेंसेस के कारण हम एक जगह काम नहीं कर सकते हमें लगता है कि ये चीज अपने आप नीचे चली जाती है और चली जाएगी। हम लोग फिक्की के कॉन्स्टिट्यूशन में एसोचैम CII और WTO के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात प्रैक्टिकली देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। लेकिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्टिविस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर जुड़ना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं होता है। एक बात रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और बेनिफिट होता है कि हम किसी फेस को चेहरे को आगे बढ़ा करके उसके पीछे नहीं खड़े होते। हम एक रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन के पीछे खड़े होते हैं और वो जो लीगल सिस्टम है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लीडरशिप पैदा करता है। हम किसी चेहरे के मोहताज नहीं होते क्योंकि अगर हम किसी चेहरे के मोहताज होते हैं
तो उस चेहरे के साथ खतरा है, उसका मर्डर कर दिया जाए, उस पर ईडी भेज दिया जाए, उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज दिया जाए, उसको कुछ कर दिया जाए, या उसको पैसे का लोभ दे दिया जाए, या उसके बच्चों का, उसकी बीबी का किडनैप कर लिया जाए, उसके हस्बैंड का किडनैप कर लिया जाए। यानी जब हम फेस को सेंटर में रख करके अलायंस बनाते हैं तो हम उस मकसद तक नहीं पहुंच पाते जहां हम जाना चाहते हैं। इसलिए एक चेहरे से बेहतर है कि हम कानून या कोई सिस्टम को सामने रख करके, लॉ को सामने रख करके बात करें। इसलिए इस बारे में हमने चीजों को आसान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। मैंने पिछली बार की मीटिंग में बताया था कि देश के बहुत एमिनेंट लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट कर दिया किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट वर्किंग कमीशन में थे, सुभाष कश्यप जैसे लोग, और भी बहुत सुप्रीम कोर्ट के लोग, कई एक्स सीनियर पार्लियामेंटेरियंस, इन लोगों ने बनाया और उसका एक हम लोगों ने मिशन फॉर ग्लोबल चेंज MGC का नाम से एक ऐप बनाया। वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां से हम एक्सेस कर सकते हैं और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट देख सकते हैं। इस रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जो खास बातें हैं, वो चार पांच बातें हैं, मैं आपको शेयर कर देता हूं बुलेट पॉइंट्स के रूप में। पहली बात तो यह है कि इसमें किसी एक चेहरे को सामने रख करके अलायंस बनाने की कल्पना नहीं है, इसमें कलेक्टिव लीडरशिप का प्लान है और कलेक्टिव लीडरशिप पर ही पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ताना बाना बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि जो डिफरेंसेस हैं, जो क्लैसेस ऑफ आइडियोलॉजीज है, जैसे लेफ्ट है, राइट है, कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, थीज्म है, एथिज्म है, आस्तिकता, नास्तिकता, दक्षिण पंथ, वाम पंथ, ये जो जितने तरह के पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद, जितने तरह की विचारधाराएं हैं, उन सब विचारधाराओं में समन्वय बनाने के दृष्टिकोण से ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया है। इसमें किसी एक विचारधारा को 100% शेयर नहीं दिया गया है और किसी विचारधारा को जीरो नहीं किया गया है। ऐसा क्यों किया गया, ये वजह बाद में बताएं। दूसरी बात यह है कि खास करके जब हम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बातें करते हैं तो इसमें उसके रीजन एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम पृथ्वी में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में दोनों मिलके काम करते हैं, अगर हम कहें कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगी और एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगी तो पृथ्वी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस तरह से उसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि हम किस तरीके से इन बातों को मैनेज किए हुए हैं। और एक बेसिक बात यह है कि जैसे हम बिजली के तारों को देखते हैं, बिजली का बल्ब जलता है, उसमें दो तार होते हैं, एक गर्म तार, एक ठंडा तार, एक को अर्थ, एक को फेस कहते हैं। अगर दोनों को टच कराएं तो दोनों में स्पार्किंग शुरू हो जाती, आग लग जाती, लेकिन इन दोनों को अलग अलग रखते हुए बीच में फिलामेंट लगा दें, एक पतली सी स्प्रिंग लगा दें, तो ये जो दोनों गर्म तार और ठंडे तार हैं, ये रोशनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बिजली का प्रकाश देने लगते हैं, लाइट देते हैं। इसलिए ये जो लेफ्टिज्म है, राइटिज्म है, ये बिजली के दो तार हैं, ये वाम पंथ दक्षिण पंथ ऐसा नहीं है कि एक सही है और एक गलत, ये बिजली के दो तार हैं। इसी तरह पूंजीवाद, साम्यवाद, ये दो तार हैं। इसी तरह से सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये बिजली के दो तार हैं। आस्तिकता, नास्तिकता भी, ये दोनों विचार भी बिजली के दो तार हैं। व्यक्तिवाद, समाजवाद भी बिजली के दो तार हैं। हमने अब तक ये माना कि एक सही है, एक गलत है। हम जिंदगी भर अपने, हमें जो सूट करता है, हमें कंफर्टेबल लगता है, हमें अंतरात्मा की आवाज लगती है, हम उसके साथ जिंदगी भर जुड़े रहते हैं और दूसरे का विरोध करने के लिए, नष्ट करने के लिए जीवन भर अपनी ऊर्जा लगाते हैं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं,
ये बात बाद में बताऊंगा, लेकिन करते हैं, क्यों करते हैं वजह बाद में बताएंगे। और इस बारे में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन में के बेसिक फीचर्स के बारे में, उसके प्रियम्बल के बारे में, उसके आइडियोलॉजी के बारे में, उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि वो अलायंस के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। जब दो उल्टी बातें हैं, एक आदमी पूंजीवाद चलाना चाहता है, एक साम्यवाद चलाना चाहता है, तो दो संगठन, दो व्यक्ति, दो पार्टियां एक मंच पर कैसे आए। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन इस असंभव काम को संभव बनाता है। अगर आप इसके ऑर्गेनाइजेशनल ढांचे को, स्ट्रक्चर को बारीकी से देखेंगे तो दोनों के लिए काम करने को जगह देता है और दोनों की ऊर्जा का समाज के हित में उपयोग करने के लिए रास्ते बनाता है, अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है। इस तरीके से हम कई बार ये सोचते हैं कि आदमी ऐसा क्यों सोचता है, मेरा शत्रु एक सगे भाई। कई बार आप देखेंगे कि दो तरह के लोग हैं। हम एक परिवार को जानते हैं रायपुर में, जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक भाई बड़ा नेता है और दूसरा भाई आरएसएस का बड़ा नेता है, और इन दोनों को एक ही माँ ने अपने पेट से पैदा किया है। अब वो माँ की क्या गलती है? जरूर हमें नेचर के, प्रकृति के नियमों को समझने में कुछ चूक हो रही है, अदरवाइज प्रकृति तो उसी माँ के पेट से एक वामपंथी पैदा कर रही है और उसी माँ के पेट से दक्षिणपंथी पैदा कर रही है। मान लो एक पेट से नहीं भी पैदा कर रही है तो कम से कम दो पेटों से पैदा कर रही है। प्रकृति जरूर कोई सोच रही है, कोई उपयोगिता है, कोई यूटिलिटी है। जैसे हमारी कोई ये कहने लगे कि दुनिया में पुरुष तो सही है, स्त्रियां गलत हैं। स्त्रियां क्यों गलत हैं? क्योंकि पुरुषों जैसी शारीरिक रचना स्त्रियों की नहीं है। या कोई ये उल्टा कहने लगे कि पुरुष गलत हैं, स्त्रियां सही हैं, क्योंकि स्त्रियों जैसी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो पुरुषों की नहीं होती। अगर हम ये मान के चलने लगेंगे कि फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम किसी को सही किसी को गलत मानेंगे तो निश्चित रूप से हमें प्रकृति के नियमों का ज्ञान नहीं है। वो जो एक लड़की पैदा होती है, एक लड़का पैदा होती है, दोनों के शरीर में अंतर होता है, वो बड़े हो करके शादी करके संतति उत्पन्न करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। अगर वो दोनों ना हो तो संतति में फर्क पड़ जाएगा। इसलिए जो जो विचारधारा हमें लगती है मेरी शत्रु है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो सोशल आइडियोलॉजी हमें लगता है मेरी दुश्मन है, दुश्मन, हम उसके साथ नहीं एडजस्ट कर सकते, वो विचारधारा यूं समझ लीजिए हमारे अपोजिट जेंडर की तरह है। वो अपोजिट जेंडर की भूमिका है। समाज को उसकी भी जरूरत है, मेरी भी जरूरत है। इसलिए हम ये कहें कि मेरा चेहरा तो अच्छा है, मेरे चेहरे का मॉडल, लेकिन दूसरे के चेहरे का मॉडल गलत है। आखिर किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। इस तरीके से ना तो मेल गलत है ना फीमेल गलत है, समाज के लिए दोनों जरूरी है। इसी तरह ना पूंजीवाद गलत है ना समाजवाद गलत है, समाज को दोनों की जरूरत है। ना वाम पंथ गलत है ना दक्षिण पंथ गलत है, समाज को दोनों की जरूरत है। इसी प्रकार और भी बहुत सारी बातें हैं। हमारे बहुत सारे फोबियाज होते हैं, आप जानते ही हैं कि एक दो चार मैं नाम ले लेता हूं आपके लिए। एक नाम आपने सुना होगा, हीमोफोबिया। ये हीमोफोबिया वो फोबिया होता है कि अगर सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और रोड पर खून गिरा हुआ देख ले तो कुछ आदमी वो खून देख के बेहोश हो जाते हैं, वो भी सड़क पर गिर पड़ते हैं, लेकिन सब नहीं गिरते।
जिनको हीमोफोबिया की प्रॉब्लम है, मानसिक समस्या है, वो वहीं रोड पर गिर जाते हैं, उनका एक्सीडेंट नहीं होता। वो लाल खून को देखने के बाद वो ब्रेन उनका ऐसा एक्शन ले लेता है कि उनको गिरा देता है। इसी तरह एक है हाइड्रोफोबिया, बहुत सारा समंदर का पानी, नदी का पानी, कोई बांध का, डैम का पानी देखकर कुछ लोग पानी देखकर बेहोश हो जाते हैं, ये हाइड्रोफोबिया है। इसी तरह एरोफोबिया होता है, अगर हवाई जहाज में किसी को बैठा दिया जाए तो वो बेहोश हो जाता है, जैसे हवाई जहाज उड़ती है वो बेहोश हो जाता है, एरोफोबिया उसको बोलते हैं। एक और फोबिया होता है एक्रोफोबिया, अगर मकान के छत पर चढ़ जाए तो छत से नीचे देखते हैं तो उनकी शरीर में कंपन होता, कई बार नीचे गिर जाते हैं, मतलब उनका ब्रेन का जो बैलेंस है वो फेल हो जाता है। ये एक्रोफोबिया के कारण ऐसा होता है। इसी तरह से हमारे मन में भी, जो हम अपने को सोशल एक्टिविस्ट बोलते हैं, थिंकर बोलते हैं, विचारक बोलते हैं, हम पॉलिटिशियन बोलते हैं, हमारे मन में भी ये भौतिक दुनिया को लेकर नहीं, आइडियाज को लेकर फोबिया मन में हमारे है। कुछ लोगों को अमीर आदमी देख करके गुस्सा लग जाता है कि इसी ने दुख दुनिया को दुखी कर रखा। अब ये फोबिया है, गलती अमीर आदमी में नहीं है, गलती हमारे चश्मे में है, आंख में है, प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को अमीर से फोबिया है, और कुछ उल्टे हैं। हमारे एक डॉक्टर साहब थे नहीं है, नाम बताना ठीक नहीं है, उनकी मिसेज प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक दिन मुझे कहा, मैंने उनसे कहा कि आप तो पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं, आपको कौन सा आइडिया ज्यादा अच्छा लगता है? वो बोली कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए या मेरे हाथ में बंदूक दे दिया जाए और ये आजादी दे दिया जाए कि मैं किसी को मारूं तो मुझे सजा ना मिले, तो मैं पूरे दिन और पूरे महीने, पूरे साल बंदूक लेके कोई भी गरीब आदमी दिखे तो उसी को धाई 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 उड़ा। वो बोली कि अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो मैं एक कानून बना दूं, ऐसा आदेश दे दूं कि देश के सारे गरीबों को देखते ही गोली मार। वो पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है। अब ये नहीं कह सकते कि वो औरत, वो प्रोफेसर बहुत गलत आदमी है, उसको फोबिया है, एलर्जी है गरीब से। इसी तरह कुछ लोगों को अमीर से एलर्जी है, कुछ लोगों को वामपंथियों से एलर्जी है, और कुछ लोगों को दक्षिणपंथियों से एलर्जी है, कुछ लोगों को पूंजीवादियों से एलर्जी है, कुछ लोगों को साम्यवादियों से एलर्जी है। लेकिन हमारे एलर्जी होने से हमारा दुश्मन दुनिया से जाएगा नहीं। ये वाम पंथ, दक्षिण पंथ परपिचुअल है, शाश्वत है, पहले से थे, आगे भी रहेंगे। ये आस्तिक और नास्तिक पहले थे, आज हैं, भविष्य में रहेंगे, ये जाएंगे नहीं। ये केंद्रवादी, ग्लोब पूरी दुनिया को एक करके सोचने वाले, वसुधैव कुटुंबकम वाले, और गांव को इकाई मानने वाले, ये पहले थे, आज हैं, भविष्य में रहेंगे, यानी ये सब शाश्वत हैं, परपिचुअल हैं। अगर ये सारी विचारधाराएं परपिचुअल हैं तो इनसे लड़ने की बजाय हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए, और ये मान के चलना कि मेरे जो शत्रु विचारधारा है वो, उसका दिमाग खराब है, वो कमजोर बुद्धि का है, वो बदमाश है, वो जरा ज्ञानी नहीं है, हम ज्ञानी हो गए हैं, हम फिलोसोफर हो गए हैं, ये सोच हमारी ही अज्ञानता को प्रदर्शित करता है। कुछ दिन पहले, एक एग्जाम्पल लूंगा, कुछ दिन पहले जब महिलाओं को अधिकार देने का प्रश्न उठा कि महिलाएं भी ऑफिस में नौकरी कर सकती हैं, महिलाएं आर्मी में जा सकती हैं, हवाई जहाज चला सकती हैं, सरकारी नौकरी में जा सकती हैं, उनको कंपनी चलाने का राइट मिल सकता है, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, मकान रखने का अधिकार मिल सकता है, तो बहुत लोगों ने कहा कि ये महिलाओं को भड़काने वाले बदमाश लोग हैं, महिलाओं को भड़काना चाहते हैं, परिवारों को तोड़ना चाहते हैं,
घर को बर्बाद करना चाहते हैं, सभ्यता संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, धर्म का नाश पीटना चाहते हैं, ऐसे ऐसे गालियां उनको मिली। लेकिन वक्त ने महिलाओं को पूरा अधिकार नहीं दिया, लेकिन कुछ तो अधिकार दे दिया और आज लोग मानने के लिए तैयार है। इसी तरह कुछ दिन पहले होमोसेक्सुअल जो लोग थे वो राइट मांगते थे कि लड़के की शादी लड़के से होनी चाहिए और लड़की को शादी का अधिकार मिलना चाहिए लड़की से, तो लोग मजाक करते थे, कहते तुम्हारा दिमाग पगला गया है, इलाज कराओ। पूरी दुनिया में आंदोलन चला, लेकिन यूरोप के तमाम देशों में ये अधिकार मिल गया। अब तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिकार दे दिया कि हाँ, लड़के की शादी लड़के से हो सकती है, मेल की मेल से, फीमेल की फीमेल। यानी यह है कि हम इंसान को समझ नहीं पाए, इंसान को न समझ पाने के कारण हम पूरी जिंदगी ऐसे काम में लगा देते हैं जो होने ही नहीं है। और जब बुढ़े हो जाते हैं 85 साल के, तब हमें लगता है कि हमने क्या किया। इसलिए हम लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए अपनी चीजों के बारे में, अपनी सोच के बारे में, अपने एक्शन के बारे में, कि हम जो सोचते हैं ठीक है, लेकिन हमारा शत्रु जो सोचता है वो भी ठीक है। जरूरत है हमारे एक ऐसे संविधान, ऐसे विधि विधान, एक ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट को बनाने की कि हम दोनों को काम करने के लिए पैसा मिले, हम दोनों को काम करने के लिए आजादी मिले, हम दोनों को अपनी अपनी बात कहने की, बोलने की आजादी मिले, जो मिल चुकी है। प्रोफेसर जेएस मिल का हमें एहसान मानना चाहिए। लेकिन बोलने की तो आजादी मिली, लेकिन करने की आजादी नहीं मिली। आप बोल सकते हैं कि गरीबों का भला होना चाहिए, लेकिन अगर गरीबों का भला की बात बोलोगे तो जेब में पैसा नहीं आएगा। आप बोल सकते हो लेकिन कर नहीं सकते। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, राज्य के ढांचे में हमें परिवर्तन और पुनर्निर्माण की जरूरत है। आज का जो लोकतंत्र है उसकी परिभाषा, आज के संविधान का ढांचा, आज के संप्रभुता का मतलब, आज की नागरिकता का मतलब, ये सारी बातें आउटडेटेड हैं और ये चलने वाली नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर हम केवल इतनी बात मान लें कि जो हमारा शत्रु है वो शरारती नहीं है, हमारा जो शत्रु है, मतलब अगर लड़का पैदा हुआ पेट से तो वो बढ़िया नहीं है, और लड़की पैदा हो गई तो कोई दुर्घटना नहीं घटी है। अगर पूंजीवादी आ गया तो कोई दुर्घटना नहीं घटी है, अगर समाजवादी आ गया तो कोई दुर्घटना नहीं घटी है, प्रकृति के नियमों से ही दोनों पैदा हुए हैं। हमें इनके बीच समन्वय करने की जरूरत है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपके सामने विचाराधीन है, जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन इसी बात पर परस्पर विरोधी विचारधाराओं को एक साथ लेकर चलने के लिए रास्ता बनाता है। मैं और आपको बताना चाहता हूं कि भारत की संसद में वामपंथी दक्षिणपंथी दोनों जाके बैठते हैं, कोई नहीं बोलता कि हम एक बिल्डिंग में क्यों बैठे। इंडिया की पार्लियामेंट में पूंजीवादी भी जाके बैठता है, समाजवादी भी। इंडिया की पार्लियामेंट की बिल्डिंग में आस्तिक भी बैठता है, नास्तिक भी। इंडिया की पार्लियामेंट की बिल्डिंग में वामपंथी भी बैठता है, दक्षिणपंथी भी। जब एक बिल्डिंग में बैठने का हमने रास्ता निकाल रखा है, हम उसे बुरा नहीं मानते, हमने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर रखा है पहले से, तो हम अपने गठबंधन का, अपने साझा मंच का कोई इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लें और उसको समझ लें, तो जो लगता है कि हम विचारधाराओं में अंतर होने के नाते हम एक साथ काम नहीं कर सकते, हमारी ये सोच बदल जाएगी और हम काम कर सकते हैं। इससे हमारा भला है, हमारे परिवार का भला है, हमारे समाज का भला है, हमारे देश का भला है और पूरी दुनिया का भला है। ये जो लड़ाई है, झगड़े है, युद्ध है, हिंसा है, मारकाट है, ये विचारधाराओं में अंतर के कारण ही है। अगर विचारधाराओं में समन्वय का रास्ता हमने निकाल लिया तो दुनिया में अमन आएगा, शांति आएगी, चैन आएगा, और जब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो समृद्धि आएगी,
हर परिवार खुशहाल होगा, आनंदित होगा, संपन्न होगा, खुशहाल होगा। मैं आज के इस चर्चा में इतनी ही बात कहना चाहता हूं, मेरा एक मिनट बचा हुआ है, वो बात आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में ले सकते हैं। आप अगर कुछ प्रश्न करेंगे उसका उत्तर हम जरूर देंगे। धन्यवाद। थैंक यू भारत जी। मैंने लिंक शेयर किया है गैप ट्रीटी का, जो पूरा उन्होंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक उन्होंने ड्राफ्ट बनाया है। आज सुबह मेरी भरत जी से बात हुई थी इस बारे में कि क्योंकि अगेन ये भी एक पार्टी ने ही लिखा है, और अगर हम इसको अलायंस के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं और आगे अलग पार्टीज भी आके अपना अपना मुद्दा रखेंगे, तो आप लोग के सवाल मैं चैट बॉक्स में तो कोई किसी ने पूछा नहीं है, तो आप अगर सवाल पूछते हैं तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करिए। और अगर आप सोच रहे हैं तो मेरा एक जो सवाल है वो मैं पहले रख देती हूँ, भले आप उसको सबसे लास्ट में जवाब दीजिएगा। और ये चर्चा मैंने संदीप जी के साथ जब पहली बार मैंने कॉल किया था तो ये बात भी मैंने उनसे रखी थी। जब अगर हम ऐसे अलायंस की बात करते हैं और अगर अलग अलग पार्टीज अपनी अपनी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बना चुकी है और एजेंडा बना चुकी है, तो अलायंस का जब वो कोई एजेंडा सेटअप होगा या कॉन्स्टिट्यूशन बोलिए, जैसे कि कॉर्पोरेट्स में होता है या प्रोजेक्ट्स में एमओयू बनते हैं या टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनता है, अलग 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 उसके नाम होते हैं, तो वो अगर किसी एक पार्टी की तरफ से आता है तो फिर कहीं ना कहीं उसमें बायस की गुंजाइश रहेगी। चूँकि हम बात तो यही कर रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस वो कहीं ना कहीं ईगो में जाके अटक जाती है और अलायंस नहीं हो पाता है, या लोग बहुत जल्दी अलायंस छोड़ने के लिए भी रेडी रहते हैं अगर उनके आइडियोलॉजिकल मैच नहीं होता है। तो ये तो मेरा सवाल उस दिन भी था, आज भी रहेगा ये सवाल, पर मैं चाहती हूँ कि कोई और भी सवाल पूछे और आप मेरा सवाल लास्ट में जवाब दीजिएगा। प्लीज आप जी कोई क्वेश्चन करना चाहे तो करें जी, सवाल आप किसी के सवाल है तो प्लीज पूछे। और लिंक मैंने शेयर किया है सर का, जो जिसके आधार पे वो बात कर रहे थे। ये जो आजकल मीटिंग हो रही है लोक राजनीति मंच के लिए, इसका फिर से मैं एक छोटा सा ये भी रख दूँ बैकग्राउंड की, बात ये हो रही थी कि एनडीए और यूपीए की हमें कंपैरिजन नहीं करना है, हमको ये देखना है कि अगर अभी इतना पॉलिटिकल टर्मोइल जो देश में चल रहा है उसके हिसाब से तो ये जो बाकी पार्टीज़ हैं जिन जो शायद रीजनली नोन हैं बट नेशनली नोन नहीं है, और वो अगर कुछ साथ में आके कर सके तो वो कैसे वर्क करेंगी और करना चाहेंगी क्या? तो इस संदर्भ में ही संदीप जी ने भारत जी के साथ कॉन्टैक्ट किया है और उनको हम लोग इस पर डिस्कशन पे लाए हैं, और मैंने भी इंडिया ग्रीन्स पार्टी को लाई थी इस डिस्कशन पे, आज वो कोई नहीं है उनमें से। तो ये है बैकग्राउंड जिसके तहत कि हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कोई सवाल है भरत जी से तो पूछिए, या आप अपने राय भी रखिए कि ऐसा, पहली बात तो ऐसा अलायंस पॉसिबल है या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि सब लोग अपने अपने रीजन पे काम करें और अपनी अपनी गाड़ी चलाएं कुल मिला के। एक प्रश्न मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा जी। अभी जैसे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पे अभी जैसे एक काम किया है भरत जी ने वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत उसमें कोई दोराई नहीं है। और साथ में एक चीज तो इसमें ये पूछना चाहूंगा कि आज के समय जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में और आज के समय जो एक डीपॉपुलेशन का इनका एजेंडा है, तो उसके तहत आज के समय जो ये लोग चाहते हैं कि पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन कम हो जाए और ये लोग कुछ ही लोग जो है अपना शासन पूरे विश्व के ऊपर आसानी से चला पाए, तो उसमें और किस तरीके से इस अपने जो गैप का जो अपना राहुल गांधी जी का जो एक प्रस्ताव है वो किस तरीके से उसको हम लोगों को शॉर्ट आउट कर सकते हैं उस विषय पे जी। मैं क्या इसका एक एक सवाल का जवाब देता चलूं या और लोग भी सवाल पूछ ले, मैं नोट कर लेता हूं। जी हाँ, तो मेरे ख्याल से सवाल दो चार ले लेते हैं साथ में क्योंकि समय जी प्रफुल्ल सर मैं ये बातों में जो फेबिया की बात उन्होंने बोली, मुझे लगता है कि ये जो जिसपे जो आइडियोलॉजी की बात जब होता है ये फेबिया समीर नहीं है, ये ठीक नहीं भी है। कहिए अब जब एक सोशलिज्म और कम्युनिज्म के समय बाद और समानता के लिए जब लोग सोचते हैं जूझते हैं,
ऐसा नहीं कि फोबिया के लेकर कैपिटलिज्म के विरोध का फोबिया नहीं है, ऐसा 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 सोचना ठीक नहीं है, ये तो गलत होगा। क्योंकि जब हम एक रास्ता खोजते हैं कि कैसे एक अलायंस उसको कैसे हम चलाएंगे और कैसे मिल पाएंगे, तो ये फोबिया को लेकर नहीं होता, नहीं चलेगा, ये फोबिया नहीं है। इसी इस बात को मैं रखना चाहता हूँ। फोबिया की बात अलग है, फोबिया की बात कुछ इंडिविजुअल होता है, मगर फोबिया कुछ नहीं। मैं एक एक लोग लो, जब से गांधी जी तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते थे, मतलब ब्रिटिश के लोगों को प्यार करते थे, ऐसा भी लोग है ये दुनिया में ऐसा दिखा है, मगर वो लड़ते रहते थे। तो इसी तरह जो हो, हम लोग भी जब जैसे जो ये काम करते हैं, तो ये नहीं कि हमें फोबिया के लेकर हम किसी के विरुद्ध लड़ते हैं, ये ठीक नहीं है। अभी जो कम्युनलिज्म के आदेश के विरुद्ध हम लड़ते रहते हैं, ये फोबिया की बात नहीं है, तो इसको हमको मानना पड़ेगा जी। आई थिंक वो इंडिविजुअल जो एक इंस्टिंक्ट होता है, उसको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो नेसेसरीली फोबिया नहीं, और यही शायद भरत जी भी कहना चाह रहे थे। इस पर हम क्लेरिफिकेशन देंगे जी। और कोई सवाल है प्लीज पूछे। और जब सवाल करें तो प्लीज अपना एक छोटा इंट्रोडक्शन भी दे दे। मैंने चैट बॉक्स में जस्ट पढ़ा कि लिखा हुआ था, तो अमित जी आप थोड़ा अपना लोकेशन और इंट्रोडक्शन दे देंगे तो अच्छा रहेगा। प्रफुल्ल सर को तो हम लोग ज्यादातर लोग जानते हैं यहाँ पर जी। मैं यहाँ पर दक्षिण भारत में ही हूँ पिछले 10 साल से, अभी फिलहाल केरला राज्य में हूँ जी। जी वंदे मातरम। थैंक यू। हमें लगता है जब तक लोग प्रश्न पूछेंगे तब तक कहिए तो हम उत्तर देते रहे। जी सर। जी सर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दिख रहे हैं विजय पाल जी, और लेकिन चुप हैं। अगर जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी सर। अगर कोई प्रश्न आपको करना हो भाई, जिसका मतलब ये नहीं है कि चुप रहना है, तो अगर कुछ प्रश्न कहे, क्योंकि लॉ की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का वकील अगर कुछ टिप्पणी करेगा तो बहुत अच्छा होगा ना। नहीं सर, जो टोटल सिनेरियो है उसमें मेरा तो यही मानना था कि एंटी डिफेक्शन लॉ जब लेके आए थे उसका कारण ये था कि एमपी लोग अपने नेता की बात नहीं मानते थे, और उसके बाद ये अलायंस की जरूरत क्यों पड़ी। जब एंटी डिफेक्शन आ गया तो पार्टीज हैं, पार्टीज ही लड़े, फिर अलायंस की जरूरत क्या है। क्योंकि मतलब हमें एक वो रास्ता ढूंढना है कि जहां नेताओं के नेता टाइम टू टाइम अपनी बात को नेताओं पे थोपने की कोशिश करते हैं, तो नेता तो पब्लिक का नुमाइंदा है, पब्लिक जो चाहती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वैसी बात पार्लियामेंट में रखे। व्हिप जारी होने का या कोई कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में प्रोविजन नहीं था, और पार्टी जो है हर एमपी इंडिपेंडेंट था, कभी किसी के साथ जाए कभी किसी के साथ जाए, लेकिन धीरे 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 इसके अंदर कुछ कुरीतियां आई, उनको ठीक करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बना, फिर ये लोग अलग अलग पार्टियां बना के, और फिर ये एक एनडीए यूपीए जैसे घटक बनने लगे। हम भी वैसा ही एक घटक बनाने की सोच रहे हैं, तो उसमें उस तरह की लिबर्टी का ध्यान रखा जाए, बस मेरा एक सुझाव था बस। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छी बात रखी है उन्होंने। और कोई सवाल है सर? आप कहाँ पे हैं विजय सर? सर मैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी कहाँ लोकेटेड? जी सर, लोकेटेड दिल्ली ही है सर। ठीक जी, थैंक यू। कोई और प्रश्न? जब तक और किसी के मन में सवाल आता है मैं जवाब भी देता रहता हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है जी सर। तो क्योंकि हम लोगों ने 7 बजे तक का तय किया, तो हमारे पास 7 मिनट बचे हुए हैं जी। तो पहला सवाल हमारे इनका तेहलान भाई का था, अमित का, जो केरला से बोल रहे थे, कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर कुछ थोपने की प्लानिंग चल रही है, ऐसी बात सुनने में आ रही है, और पॉपुलेशन को कम करने का, डीपॉपुलराइज करने का काम, तो मैं इस बारे में 2 बात कहना चाहूंगा कि डीपॉपुलेशन करने का काम नया नहीं है, ये कैपिटलिज्म का सेंट्रल आइडिया है कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। कैपिटलिज्म एक ऐसी आइडिया है जिसके मस्तिष्क में होती है वो अपने को दुनिया के लिए जरूरी मानता है,
कि मेरी पत्नी नहीं कम होनी चाहिए, मेरा बच्चा कम नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे का हो जाना चाहिए। यह भी एक एक मानसिक टाइप है जो अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे हैं। ये एक टाइप है। अब वही ग्रुप, वही जो मेंटेलिटी है जिसको हमने एबी मेंटेलिटी भी नाम दिया हुआ है, टेक्निकल, ये जैसे एबी खून होता है ना, ये जिसके शरीर में एबी खून होता है उस सबका खून पी लेती है शरीर, लेकिन देती किसी को नहीं, अगर देगी तो मर जाएगा। लेकिन इसके उल्टा एक ओ ब्लड ग्रुप भी है जो सबको देता है लेकिन लेता किसी से नहीं। तो नेचर ने ए बी ब्लड और ओ ब्लड दो उल्टी ब्लड ग्रुप पैदा किए हैं, तो नेचर ने ही उन्हीं के कारण दो आइडियाज पैदा किए हैं जो दुनिया में डीपॉपुलेशन करना चाहते हैं और एक जो दुनिया की पॉपुलेशन ग्रो करना चाहते। ये दुनिया के ओ मेंटेलिटी वाले पॉपुलेशन को प्रिजर्व रखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, और ए बी मेंटेलिटी वाले पॉपुलेशन को मारना चाहते हैं। इसलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर कोई नई चीज आ रही है ऐसा नहीं है, ये परंपरा पहले से चल रही है। मैं ये कहता हूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर अगर ए बी मेंटेलिटी वाले लोग पूरी दुनिया के 300 करोड़ लोगों को मारना चाहते हैं, तो इसका ये जवाब नहीं है कि हम घर में बैठे उनका विरोध करें। हमें याद आता है जब हम लोग सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते थे तो WTO आने वाला था, गैट समझौता, और उस समय WTO आएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी, WTO आएगा गैट का समझौता होगा तो किसान मर जाएंगे, गैट का समझौता होगा तो बिजनेस खत्म हो जाएंगे, गैट का समझौता होगा भारत की संप्रभुता समाप्त हो जाएगी, गैट का संप्रभुता होगा छोटे बिजनेस खत्म हो जाएंगे, सब कारपोरेट के हाथ में चला जाएगा। ये बातें चलती थी, लेकिन तब उसका सोल्यूशन क्या बोलते थे लोग, सोल्यूशन ये बोलते थे कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपने देश की सामान बनी हुई खरीदो और बेचो, अपनी अपनाओ। तो दुनिया के व्यापारी एक हो गए थे और वो WTO लाना चाहते थे, लेकिन इसके सोल्यूशन के रूप में हम लोगों ने क्या किया कि हम स्वदेशी की बात करने लगे, तो WTO से या गैट से परेशान पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो मान के चले 500 करोड़ आदमी, ये 500 करोड़ आदमियों को हमने स्वदेशी के कारण अपने अपने देश में टूट गए हो। तब भारत का स्वदेशी अपना हो गया, पाकिस्तान का अपना हो गया, चीन का अपना हो गया, बांग्लादेश का अपना हो गया। स्वदेशी के विचार ने पूरी दुनिया के पीड़ित लोगों को एक मंच उपलब्ध नहीं होने दिया। इसलिए जो गलती हमने 94 में किया था वो गलती 2021 में ना करें। हमें सीखना चाहिए कि जिस तरह पूरी दुनिया के एबी वाले, पूरी दुनिया के डीपॉपुलेशन करने वाले, जनता को देख के गोलियों से धड़धड़ धड़धड़ भून देने की मंशा रखने वाले, ये पूरी दुनिया को डीपॉपुलेशन करना चाहते हैं, हमें ऐसे पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ने के लिए एक अलायंस बनाना चाहिए जिसमें अमेरिका के लोग भी शामिल हों, जो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर जो जनता को मारने वाले लोग हैं उनको रोकें। इसमें लंदन के लोग शामिल हों, अफ्रीका के लोग शामिल हों, एशिया के लोग शामिल हों, लैटिन अमेरिका के लोग शामिल हों, यूरोप के लोग शामिल हों, हम सभी शामिल हों। हम अगर कहेंगे कि भागो, वो दौड़ा रहे हैं भागो, तो हम भागेंगे। हम 94 में भाग के देखे थे, वो आगे बढ़ गए, कामयाब हो गए, अब हम आज तक भाग रहे हैं। इसलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जवाब है एक अल्टरनेट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और जिस अलायंस का कॉन्स्टिट्यूशन की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एक अल्टरनेट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देता है, और वह उन ताकतों को रोकने में निश्चित रूप से कामयाब होगा, हमें पूरा विश्वास है। अगर उस संविधान को आप लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो यह विश्वास आपको भी पैदा होगा। दूसरी बात ये कि हमारे प्रफुल्ल भाई ने कहा कि भाई फोबिया, हम किसी विचारधारा से एलर्जी रखते हैं, पूंजीवाद हमें बुरा लगता है, अगर नास्तिक लोग हमें बुरे लगते हैं, अगर वामपंथी या दक्षिणपंथी हमें बुरे लगते हैं, तो ये हमें फोबिया है। भाई मैं आपको कहता हूं
कि आपने गांधी का उदाहरण दिया, गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे लेकिन गांधी अंग्रेजों से प्यार भी बहुत करते थे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपने ही बोला। तो मैं ये कहता हूं कि जो विचारधारा आपको शत्रु अंग्रेज लगती है, अंग्रेज लगती है, यानी अगर आपको पूंजीवाद अंग्रेज लगता है, अगर साम्यवाद अंग्रेज लगता है, तो उससे जिंदगी भर लड़िए लेकिन प्यार भी करिए। इसी को कहते हैं इनलाइटेंड टॉलरेंस। ये जो सहिष्णुता का विज्ञान यही है कि हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो अपनी मानसिकता के कारण लड़ रहे हैं, लेकिन इतना हमें समझना चाहिए कि उसकी भी जरूरत दुनिया को है। जरूरत ये है कि धरती की धन संपदा आधा उसके पास रहे, आधा हमारे पास रहे। अब धरती की धन संपदा पूरा उसके पास चला जाए और हम खाली जुबान चलाएं तो गड़बड़ है। ये जो अलायंस है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं आज, वो अलायंस का कॉन्स्टिट्यूशन इसी विचार पर आधारित है कि संसाधनों का बंटवारा सभी विचारधाराओं में होना चाहिए। तभी तो बोलने की आजादी का अर्थ है, पूंजीवादी आदमी अपनी बात बोले, साम्यवादी अपनी बोले। लेकिन पूंजीवादी आदमी बोले लाउड स्पीकर लगा के, और साम्यवादी अपनी बात बोले अपनी जुबान से। एक मेला में जाइए, जो नकली दवा बेचने वाला लाउड स्पीकर बोलने लगा तो उसी की आवाज गूंजेगी, उसी की दवा बिकेगी। लेकिन असली आदमी की दवा इसलिए नहीं बिकेगी कि उसके पास लाउड स्पीकर नहीं है, संसाधन नहीं है, टीवी चैनल नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो बेचारा क्या करेगा कि बोलता रहेगा, कोई सुनेगा। असली दवा नहीं बिकेगी, नकली दवा बिक जाएगी। तो भाई प्रफुल्ल जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं। जो गांधी ने किया वही ये संविधान करने जा रहा है। वो अंग्रेजों को फोबिया नहीं मानता था, लेकिन अंग्रेजों को गलत मानता था। वो हिस्सेदारी की लड़ाई गांधी कर रहे थे कि तुम अपने हद में रहो, हम अपने हद में रहेंगे। यही हद तय करना इस संविधान का मकसद है। विजय पाल जी दिल्ली से बोल रहे थे कि जब एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल विरोधी कानून है, तो फिर अब ऐसी स्थिति में अलायंस बनाने की क्या जरूरत है। इनका अर्थ मैं थोड़ा समझाऊं तो अर्थ में यह है कि तब अगर बहुमत नहीं बन रहा है तो बाकी पार्टियों के एक तिहाई सांसद या विधायक तोड़ के अलग पार्टी बना के शामिल हो जाएं, ये तो कानूनी है, फिर गठबंधन करने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाता कि पार्टी प्रेसिडेंट ने ही चुनाव में पैसा खर्च किया होता है, और जो लोग गठबंधन बना के अलग पार्टी बना के सरकार में शामिल होंगे अगला इलेक्शन हार जाएंगे। वो जानते हैं कि मेरा राजनीतिक भविष्य खतरे में है, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं है। पार्टी के पीछे बने रहो बैल की तरह, अध्यक्ष जहां ले जाए भेड़ों की तरह वहीं चले जाओ। जनप्रतिनिधियों की हैसियत को इस दल बदल विरोधी कानून ने भेड़ बना दिया, भेड़। अब ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये एमपी हैं, एमएलए हैं, ये एंटी डिफेक्शन लॉ ने उनको शिप बना दिया, भेड़, और पार्टियों के अध्यक्ष को बना दिया गडेरिया। ये लग्गी लेके हाँकता है, तो इसलिए जब जनप्रतिनिधियों के अधिकार समाप्त हो गए तो लोकतंत्र भी उसी दिन समाप्त हो गया था। हम एक वर्चुअल डेमोक्रेसी में, आभासी लोकतंत्र में जी रहे हैं। मैं विजय पाल भाई का यही जवाब दूंगा। 7:03 हो गए हैं, अगर सबकी मंशा हो कुछ और प्रश्न लिए जाए तो किए जाए, लिए जाए, मैं जवाब देने को तैयार हूं। अन्यथा मानसी बहन को, संदीप पांडे भाई को कहूंगा कि वो इस बारे में आगे जो प्रोसीड करना है करें। थैंक यू भारत जी, एंड थैंक यू जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। किसी और के सवाल है तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, और नहीं तो संदीप सर का भी ईमेल आईडी आप लोग के पास है, और भारत जी का भी ईमेल आईडी है, और आप उनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक सिटीज़न, बहुत ही क्यूरियस सिटीज़न के जैसे बैठी हूँ कि हो क्या रहा है देश में, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो कर क्या रहे हैं। संदीप भाई को कंक्लूड करने का मौका देना चाहिए। जी जी, वही कंक्लूड करेंगे। तो किसी और का सवाल है तो प्लीज पूछे। अनमोल जी, आपने अनम्यूट किया है अपने आप को।
मैं लखनिहार बिहार से हूँ, मेरा अनमोल कुमार नाम हुआ, मैं वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल में बिहार प्रदेश महामंत्री हूँ और वर्तमान में 64 कदवा विधानसभा चुनाव भी लड़ रहा हूँ वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल बीपीआई। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, अभी एक सर जिनका नाम मुझे ध्यान से कर गया, वो फोबिया के बारे में जो बोल रहे थे, मैं उनके दिल को आहत नहीं पहुंचाना चाहूंगा और क्षमा चाहता हूं कि अगर उनको मेरे बातों से दुखी लगे तो मुझे माफ करेंगे बच्चे समझ के। शायद मुझे लगता है कि मैं इस उम्र में गांधी जी की बातों से इतना प्रभावित हूं और मैं अपने उनके राह पे चलते हुए इस काम को करने के लिए जा रहा हूँ जो वो चाह रहे हैं, और मैं उनका हिस्सा जीवन भर बनने के लिए तैयार हूँ। और मुझे लगता है कि फोबिया की बातें मुझे बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया है और मैं उस बात का प्रचार भी करता हूँ क्षेत्र में, तो उसका असर देखने को मिलता है। और एक बात और लगता है मुझे कि शायद जो गांधी जी की ट्रेनिंग नहीं लेंगे, उनकी किताब को नहीं पढ़ेंगे और उनकी मंशा को जो नहीं जानेंगे, इनके एक एक बात से लोगों को तकलीफ हुआ, जैसे कि आज हमारे देश में टोटल पार्टियों के नेताओं और अध्यक्षों को बुरा लग रहा है और अमीरों को। और जो व्यक्ति अगर सामूहिक बात करेंगे तो उन्हें गांधी जी की एक बात से भी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और कुछ नहीं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ शिवाकांत जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट किया है आपने। हाँ जी, मैं कुछ जी सर बोलिए। सुझाव है जी, शिवाकांत दिल्ली से बोल रहा हूँ। शिवाकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए तो शायद आवाज आएगी। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए सर और फिर बोलिए तो शायद आवाज आएगी। आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। आप सिर्फ ऑडियो से बोले सर। हेलो जी सर, आप ट्राई करिए। मेरा सुझाव है कि पांडे जी, हेलो जी बोलिए सर। हेलो, हाँ मेरा सुझाव है पांडे जी इस काम में ज्यादा समय लगाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा। क्योंकि देश के तमाम पार्टी सामाजिक संगठन के लोग पांडे जी के संपर्क में हैं और ये एक बड़ा मुहिम है, इसके लिए समय लगाने से होगा। अभी लखनऊ में ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट एक संगठन है जिसके लोग कह रहे हैं कि देश में एक बहुवर्गीय पार्टी की जरूरत है। ऐसे लोगों से पांडे जी बात करें, दिनकर कपूर हैं कोई लखनऊ में, दिनकर कपूर जी हैं, अखिलेंद्र प्रताप ने कोई किताब लिखी है कि देश को एक बहुवर्गीय पार्टी की जरूरत है, तो ऐसे लोगों से पांडे जी यदि संपर्क करें तो उनसे बातचीत करना चाहिए हम लोगों को। जी जी बिल्कुल जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, थैंक यू। शायद हम इसीलिए कर रहे हैं पांडे जी इसमें। जी पांडे जी इसमें प्रमुख भूमिका निभाए जिससे कि बड़े पैमाने पर हम संगठनों को पार्टियों को एकजुट कर सकते हैं। जी सर, ठीक है, मेरा ये सुझाव है। एक्चुअली चर्चा भी इसीलिए ही हो रही है कि ये समूह बने कैसे, और समूह बनने के लिए ही भरत जी बोल रहे हैं कि कुछ रिटर्न होना पड़ेगा, नहीं तो हम भी वैसे ही होंगे जैसे एनडीए यूपीए होते हैं। संदीप सर, आपका रिफ्लेक्शन एंड कुछ लोगों का एक समूह बने जो अलग अलग पार्टियों संगठनों से बात करें, चर्चा करें इस मामले में। जी जी सर, थैंक यू। संदीप सर, आपके रिफ्लेक्शन और कंक्लूजन प्लीज। थैंक यू। नहीं, मैं भी असल में यही कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, लेकिन कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा कि दोनों बार जब भरत भाई बोले तो लोक राजनीति मंच की प्रक्रिया से जो लोग जुड़े हैं उसमें सिर्फ प्रफुल्ल सामंतरा भाई आए
और आज मैं देख रहा था राजीव यादव भी कुछ समय के लिए थे, फिर वो निकल गए, शायद वो बिहार में है, हमारे सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट गौतम कुमार प्रीतम के प्रचार में गए हैं, तो शायद उनके पास पूरा समय नहीं रहा होगा रहने के लिए। लेकिन दिनकर कपूर का पूर और अखिलेंद्र प्रताप सिंह वगैरह से बात हो सकती है, तो हमें लग रहा है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जब मीटिंग हो तो उसमें जो दूसरे साथी हैं लोक राजनीति मंच के, उनको भी शायद एक एक करके फोन करके सबको बोलना पड़ेगा कि भाई आप रहिए, और नोटिस थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, तो हम करीब एक हफ्ते का नोटिस दे के लोगों से आग्रह करेंगे कि वो रहें इसमें, और फिर कुछ बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। इसकी जो भरत गांधी जी बोल रहे हैं, इसकी आवश्यकता तो बिल्कुल है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। वो काम कैसे हो सके ये जो है इसको इसको तय करने की बात है। तो बहुत सारे अनुभवी साथी हैं देश भर में, उनको साथ लाने की जरूरत है, और हो सकता है कि ये प्रस्ताव पे सहमति बनाने में भी टाइम लगे, लेकिन हमें लगता है कि वो टाइम लगाने की जरूरत है, वो जो उसमें निवेश किया जाएगा वो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब करीब एक घंटा पूरा हो रहा है, इसलिए हमें लगता है इसको तो समाप्त करना पड़ेगा, और हम अगली तारीख तय करके जल्दी ही, और फिर कोशिश करेंगे कि हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक निवेदन रहेगा, आपके धन्यवाद के पहले जी जी, के जो बातें हमारी दो चर्चाओं में हो गई हैं वो आगे तीसरी चर्चा में रिपीट नहीं होगी। जी जी सर, कोशिश तो ये रहेगी कि दोहराई नहीं जाए। जी कोशिश तो ये रहेगी कि अलग अलग स्पीकर जो अलग पार्टीज के हैं वो अपने विचारधारा भी रखें, तब तो बात होगी कि साथ में आने की, क्योंकि सब लोग अपनी, मतलब मैं तो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, आज यहाँ सिटीजन हूँ, तो अगर सब पार्टी ने अपना विचारधारा एक बना रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, तो उनको सुनने को भी तो हमको देना पड़ेगा समय, तब तो बात कर पाएंगे कि साथ में चलना है कि नहीं चलना है। अगले अनरिटन रूल्स होते हैं घर में, वो इन बिटवीन ग्रुप्स वो अनरिटन नहीं हो पाएंगे, वो सब लोग शायद ज्यादातर लोग सहमत होंगे समय के साथ, पर पहले सबको सुनने का तो सर हमको एक समय निकालना पड़ेगा संदीप सर, है ना। जिस बेसिस पे हमने ये इनिशिएट भी किया जुलाई से लोक राजनीति मंच का चर्चा करना, तो मेरा नंबर किसी ने पूछा है तो 9824092804 है, आप चेक बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए जी, और मैं यहाँ एज अ सिटीजन आई हूँ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड आउट ऑफ कंसर्न। आप हैदराबाद से हैं? नहीं, मैं अहमदाबाद से हूँ, अहमदाबाद घर से अभी बात कर रही हूँ। अच्छा, अहमदाबाद से संजीव भी है, आप लोग आपस में परिचित नहीं है लगता है? नहीं, संजीव शर्मा दिख रहे हैं अहमदाबाद से ही है जी, नहीं परिचित नहीं है। हाँ, आप लोग सभी को नमस्कार, मैं पिछली मीटिंग में भी था, इस मीटिंग में भी हूँ, ठीक है, तो मैं जस्ट एक्वाइंटेड नहीं हूँ ज्यादातर लोगों से, संदीप जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है, जब मैं स्टूडेंट था तो संदीप जी अपनी पद यात्रा में खन्ना पंजाब से गुजरे थे, खन्ना में, तो खन्ना में आपका स्वागत हम लोगों ने किया था। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लगभग 25 साल पुरानी बात है, 2005 की बात जी, जी जी जी, 5 की बात। तो संजीव जी अहमदाबाद से है, अमित तेलहान जी हमारे साथ केरला से रहे, बहुत अच्छा लगा, अनमोल है कटिहार से, बिहार से, और कनक है कोकराझार से, आसाम से, ललित पेगू है बीपीआई के आसाम प्रेसिडेंट हैं, लखीमपुर से, आसाम से, मिथिलेश कुमार पटना से हैं, सावेद भुइया हैं आसाम से, नवीन कुमार हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से, और रविशंकर हैं पटना से, शाहजहां खान है धुबरी आसाम से, विजय पाल सिंह जी दिल्ली से हैं, शिवाकांत जी दिल्ली से हैं, वीर मनी जी हैं बख्तियारपुर पटना के पास से, और संदीप भाई इसमें बंबई में हैं, बंबई से ज्वाइन कर रहे हैं, और कई लोगों को मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, गौर भाई हैं, गौर जी भोपाल से हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, बहुत दिनों बाद उनको देखा तो अच्छा लगा, और उम्मीद है भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। तो समय हो गया है संदीप भाई, अब आप कंक्लूड करेंगे, और आपको भी धन्यवाद देते हैं हम सब। जी, नहीं, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। मुझे लग रहा है मानसी बहन ये
जो अपने वरिष्ठ साथी हैं इनको अगर ठीक से शामिल करना है, जैसा आप कह रही थी कि सभी के विचारों को सुनना पड़ेगा, तो क्यों ना हम लोग इसको एक पैनल डिस्कशन के रूप में रखें। सर एक जी हो सकता है, पर एक दिन में दो दो तीन तीन लोग को ले सकते हैं, पर हाँ हाँ वही वही सही बात। सबको मतलब हर सेशन में जैसे दो या तीन पार्टी के लोग अपना ये रखें कि हम ये ऐसा सोचते हैं, जो कॉमन गोल प्रोग्राम होगा ना वो तो सभी चाहते हैं कि देश में कुछ भला हो, पर वो क्या भला करना है वो भी बहुत जरूरी है। जो घर की बात करते हैं कि घर इसलिए चलता है क्योंकि वो घर को चलाने का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, तो वो क्या होगा, देश का भला सभी चाहते हैं जी, पर वो कौन सी दिशा में भला चाहते हैं, तो वो हमको लिस्ट आउट करना है। मैं बना रही हूँ, जैसे आपने बोला था कि एक्चुअली मुझे प्रेजेंट करना था किसी समय की वो 10 मेन एजेंडा या 8 मेन एजेंडा के ऑब्जेक्टिव कैसे होंगे, पर मुझे लगा कि वो बहुत जल्दी होगा, तो मैं सबको सुनना चाहूंगी क्योंकि लोग जो इतने बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं या जो भी इतने एक्सपीरियंस है, हम लोग इसको एक अब अगले सेशन से पैनल डिस्कशन के रूप में शुरू करते हैं जी। और हाँ, मैं और आप तय कर लें कि कौन कौन लोग इसमें बोलेंगे जी, और फिर उनको एक एक करके आग्रह करके बोला जाए कि वो अपना 10-15 मिनट में अपनी बात रखे जी, और जब सबकी बात हो जाए तो उसके बाद फिर डिस्कशन किया जाए। आप सबको भी धन्यवाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को, धन्यवाद, जय हिंद जय विश्व। संदीप सर और लेडीज और मोर वुमेन, जब आपने जय विश्व कह दिया तो जय हिंद कहने की क्या जरूरत। ये तो विनोबा जी का अभिवादन था, जय जय जब धरती माता की जय हो गई तो भारत माता उसमें आई जाएगी, शामिल ही है। संदीप सर वुमेन वुमेन ऑन बोर्ड बहुत ही मेरे लिए एम्बैरेसिंग होता है एज अ लोनर सिटिंग हियर, हालांकि मुझे अच्छा भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैं मेल बैस्टियन में ब्रीच कर रही हूँ, बट मतलब अब हम इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, सो प्लीज जो मतलब दोज हु वांट टू लीव मे प्लीज लीव, बट एक तरह से अच्छा भी लगता है पर दूसरी तरह थोड़ा एम्बैरेसिंग भी है कि